बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूँ सबा कमर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ मटर और दही की रेसिपी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। लाइक और शेयर तो करना मत ही भूला करें। तो आज की जो हमारी रेसिपी है, जो बहुत ही थोड़ी सी डिफरेंट सी है, डिफरेंट स्टाइल में है, तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हम लेंगे ऑयल, तकरीबन हमने लेना है 1 कप। तो अभी बर्तन में जो है हम ऑयल शामिल करेंगे और बारीक चॉप किए हुए प्याज इसमें हमने ऐड करने हैं। 1 अदद मैंने बारीक चॉप किया हुआ प्याज लिया। तो अभी इसकी बुनाई करेंगे, हल्के से ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल कर देंगे, 2 टेबलस्पून। इसकी हम बुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। तो इनकी पकाई हमने इतनी करनी है कि ये टमाटर जो है हमारे अच्छे से नरम हो जाए। तो अब इसमें हम स्पाइसी मसाला जात ऐड करेंगे। तो स्पाइसी मसाला जात में हमने हल्दी जो है 1/2 टेबल स्पून इसमें ऐड करनी है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करें और सुर्ख मिर्च। अब इन मसालों की अच्छे से बुनाई कर लेंगे कि कोई भी दूसरा जो है मसाला वो इसमें हमने ऐड नहीं किया। अभी आपने तमाम स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो। इसमें मेन चीज़ दही है, 3 से 4 टेबलस्पून अच्छे से फेंट के हमने इसमें दही शामिल कर दी मसाले में। तो इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, इसके पानी जो दही का पानी है इसे खुश्क कर लेंगे मसाले में। तो मसाला जो है आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त हमारा रेडी हो गया। अभी इसकी बुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट। तो अब जो है इसमें शामिल करेंगे मटर और आलू, और इनकी बुनाई जो है आपने वो 2 से 4 मिनट अच्छे से करनी है ताकि मसाला जो है हमारा वो सब्ज़ी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। तो इसकी बुनाई जो है अभी जारी है, अभी मज़ीद जो है इसे हम पकाएंगे 2 से 4 मिनट अच्छे से। तो अभी इसमें हमने पानी ऐड करना है ताकि हमारे मटर और आलू जो है वो अच्छे से गल जाएं। मिक्सिंग कर देंगे और 10 से 15 मिनट जो है इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी हद तक जो है पक चुके हैं। तो अब इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे और साथ में ही इसमें हम ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर। और अब जो है इसमें हम ऐड करने वाले हैं हरा धनिया। तो माशाल्लाह से लुक देखें कितनी ज़बरदस्त जो है हमारी सालन की जो लुक है कितनी ज़बरदस्त हो गई है। तो अभी जो है हमारे आलू मटर जो है बिल्कुल रेडी हैं। तो अभी जो है इसे हम करेंगे डिश आउट।
देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे मटर और आलू जो है इसकी रेसिपी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करिए, आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अब तक के लिए खुदा हाफिज़।